नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 1881 नए मामले आए सामने, 19 लोगों ने जान गंवाई, 17,000 के पार हुए कोरोना के केस, 13,470 केस एक्टिव। सोनीपत के मूर्थल के सुखदेव ढाबे में फूटा कोरोना बम, सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, ढाबे को किया गया सील, जिले में 191 नए मामले आए सामने, 41 लोगों की मौत। सोनीपत में सुखदेव ढाबे के बाद गरमधर्म ढाबे में भी 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले, गरमधर्म ढाबे को सील किया गया, ढाबे में हजारों लोग खाना खाने आते हैं। पंचकुला में कोरोना के 172 नए मामले रिपोर्ट हुए, एक मरीज ने जान गंवा दी, सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। पंचकुला में सीएमओ ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना संक्रमित मिली, सीएमओ ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। जाखल में कोरोना का कहर दिखा, 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, एक ही मोहल्ले से अब तक 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। भिवानी में कोरोना से किरावड़ गांव निवासी 63 वर्षीय महिला की मौत हो गई, अब तक जिले में 13 लोगों ने जान गंवा दी है, 1523 केस मिल चुके हैं, 302 केस एक्टिव हैं। रेवाड़ी में 24 घंटे में सामने आए 61 नए मामले, एक और मौत के बाद जिले में कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 24, प्रशासन की बड़ी चिंताएं। सिरसा में जारी है कोरोना का कहर, एक दिन में फिर सामने आए 22 नए मामले, जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 1578, 599 केस एक्टिव। गोहाना में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना काल में ड्यूटी देने वाले 15 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार, केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, आदेश के बाद दिल्ली में पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व की जा सकेगी, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। करनाल की कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को बनाया कोविड अस्पताल, जिसमें 500 बेड की सुविधा मिलेगी। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डीसी ने अपील करते हुए कहा कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अनाधिकृत डॉक्टर से इलाज ना करवाएं। करनाल में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा, जिले में कोरोना से हुई 2 लोगों की मौत, एक दिन में सामने आए 34 नए मामले। कैथल में भी कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में मिले 14 नए मामले, प्रशासन की बड़ी चिंता। कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर पालिका अध्यक्ष उमा सुधा ने मास्क जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस दौरान उमा सुधा ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों की सख्ती से पालना करें, कोरोना से बचा जा सके। करीब 5 महीने के बाद बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी खुल गई है, जिसमें ऑड इवन के आधार पर सब्जी मंडी में दुकानें खुली, साथ ही साथ इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क लगाने की शर्त भी रखी गई है। माह में लॉकडाउन से बाजार की रौनक खत्म हो गई है, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, जिससे बिक्री में काफी कमी आई है, दुकानों पर सेल कम होने से दुकानों पर काम करने वाले युवकों की नौकरी भी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महामारी के भय के कारण और लोगों के पास काम धंधे की कमी के कारण बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन होने के बाद साथ ही साथ हरियाणा में फिल्म शूटिंग के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, प्रदेश में शूटिंग की अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भद्रकाली मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद दिया, कृषि अध्यादेश को लेकर कहा कि अध्यादेश किसानों की आर्थिक आजादी में सहायक होंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अपनी फसलों की सीधी बिक्री भी कर सकता है, खरीदों के लिए नियम बनाए गए हैं, किसानों को बरगलाने वाले सावधान रहे क्योंकि पुरानी व्यवस्था बंद नहीं हो रही है और झूठ बोलने वालों की पोल खुलेगी। ओपी धनखड़ ने गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज से मुलाकात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव आंवली में ग्रामीणों की जनसभा को संबोधित किया, हरियाणा सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से संबंधित एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आया है, उन्होंने ये भी कहा कि अब हरियाणा में 33% बेरोजगारी हो चुकी है। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली ने तलावाड़ा के किसान के मामले पर बिजली विभाग को बरसते हुए कहा कि किसान के खेत में 8 साल से 40 HP की मोटर का बिल विभाग भेज रहा था, लेकिन विभाग ने उसे 47 किलोवाट बनाकर किसान को चोर साबित कर दिया। बबली ने कहा कि वो किसानों के साथ धोखा सहन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े वो लड़ने को तैयार है। कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली साक्षी मलिक को जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट करते हुए कहा कि कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते स्नातकोत्तर और पीएचडी प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए परीक्षाओं की तिथियां 4 दिनों में बांट दी है। 6 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित कराई जाएंगी। एग्जाम में करीब 3,500 छात्र शामिल होंगे। एचएयू प्रशासन ने फैसला लिया, दाखिले ऑनलाइन किए जाएंगे। हिसार में सर कर्मचारी संघ ने मांग की सरकार पीटीआई भर्ती के लिए ली गई परीक्षा को तुरंत रद्द कर दे। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बर्खास्त पीटीआई के मामले में पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने पीटीआई भर्ती परीक्षा की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कहा कि जल्द ही सर कर्मचारी संघ कर्मचारियों से जुड़े बाकी मुद्दों को लेकर जन आंदोलन शुरू करने जा रहा है। पंचकुला में राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले पीटीआई परिवारों के लोगों ने सेक्टर 4 में कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को ज्ञापन दिया। कहा कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने निकली घी के गोदाम पर छापेमारी की, जहां पर भारी मात्रा में नकली घी मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया गया, जांच शुरू। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में स्टेट क्राइम हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को मुक्त कराया। बच्चे पर्वतीय कॉलोनी इलाके में एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे। मामले की सूचना स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन को टीम की मिली, जिसके बाद टीम ने छापेमारी करते हुए बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए मुक्त कराया। पानीपत में हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निजीकरण करने का हरियाणा टूरिज्म संघ ने विरोध किया। टूरिज्म संघ के प्रदेश सचिव ने सरकार पर अपने चहेतों को कॉम्प्लेक्स देने के आरोप लगाए हैं। फरीदाबाद में विभागों की लापरवाही का फायदा उठा रही है निजी टोल कलेक्शन कंपनी। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से नहीं जमा कराए गए करीब 15 करोड़ रुपए। एनएचआई और एसडीएमसी के बीच हुए करार के अनुसार रोजाना 9,20,000 रुपए एनएचआई को टोल के रूप में देना होता है। निजी कंपनी रोजाना वाहनों से तो टोल वसूल रही है, लेकिन एनएचआई को पैसा नहीं दिया। कोसी के गांव गोठा ठप्पा में जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए जा रहे वाटर वर्कर्स में लापरवाही बरती जा रही है। घटिया निर्माण सामग्री से वाटर वर्कर्स का निर्माण हो रहा है। शिकायत के बाद अधिकारी मामले में लीपापोती कर रहे हैं। वाटर वर्कर्स का निर्माण 2 साल से चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री लगाने पर गांव के सरपंच ने 2 बार काम बंद भी करवाया, लेकिन दोनों बार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से काम फिर से शुरू करवा दिया गया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में बन रहे पार्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुटपाथ के लिए लगाई जा रही टाइल्स के नीचे सीमेंट, पत्थर और रेती का जो मिक्सचर डालना चाहिए था वो नहीं डाला गया। सिर्फ पत्थर और रेती बिछाकर ही टाइलें लगाई जा रही है। नियम कायदों के हिसाब से पत्थर भी पूरा नहीं बिछाया जा रहा। लोगों का आरोप है ठेकेदार जानबूझकर सही मात्रा में निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नरवाना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वत कांड को लेकर मामला गरमाया। रिश्वत कांड के पड़तों ने शहर में प्रदर्शन कर शव यात्रा निकाली। नगर परिषद के सामने पुतला जलाया। कहा कि कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित ने बताया कि यह अनिश्चितकालीन धरना है। तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा से पंजाब जाने वाले यात्रियों को लेकर जाने वाली बसें यात्रियों को पंजाब की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले उतार देती है। पंजाब से आने वाली बसें भी यात्रियों को अपने इलाके में हरियाणा की सीमा से पहले उतार देती हैं। मामले को लेकर रोडवेज अधिकारी विभागीय आदेशों की पालना करने की बात कहते नजर आए। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों का यह कहना है कि रोडवेज की बसेस को एक से दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं है। रेवाड़ी में साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर सेल पुलिस स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए विभाग जगह की तलाश में जुटा हुआ है। सब्जियों के दाम के साथ साथ अब दाल के दामों में भी बढ़ोतरी होने से आम लोगों पर काफी महंगाई की मार जो है वो पड़ रही है। आपको ये बताएं कि दाल के दामों में 5 से 15 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में बिजली विभाग उपभोक्ता को बिल जमा करने के लिए एक और सुविधा दी है। उपभोक्ता अपना बिजली का बिल डाकघरों में जमा करा सकेंगे। पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। अभी तक मंडी में 536 क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है। मंडी सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि मंडी में नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वानीखेड़ा के गांव सुमराखेड़ा के किसानों ने तहसीलदार को कपास की फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांग की गई है कि खराब हुई फसलों का उन्हें गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना था कि उनकी कपास की फसल सफेद मक्खी बीमारी की वजह से लगभग 85 से 90% तक खराब हो चुकी है। तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। सिरसा में के नरमा कपास उत्पादक किसान इस समय संकट में है। अज्ञात बीमारियों से नरमा कपास की करीब 80% फसल खराब हो गई।
किसानों का ये कहना है कि पहले फसल काफी अच्छी थी, बाद में नमी की वजह और दूसरी बीमारियों से नरमा की फसल काली पड़नी शुरू हो गई। झज्जर के ग्वालीसंग गांव के किसान जलभराव की समस्या को लेकर परेशान है। किसान जलभराव की समस्या को लेकर करीब 20 दिनों से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, समस्या दूर नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि जिस ड्रेन के जरिए पानी निकलना है, उस ड्रेन पर रसूखदार ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते किसानों को खेतों का पानी निकालने में बहुत समस्या आ रही है। चरखी दादरी में रजिस्ट्री को लेकर हुई गड़बड़ी की जांच एसडीएम वीरेंद्र सिंह करेंगे। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चांदवास ने चरखी दादरी में रजिस्ट्री को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कैथल में बाला रोड पर दुकानों के सामान चालान काटने से दुकानदारों में भारी नाराजगी है। ऐसे नाराज दुकानदारों ने जाम लगाकर पुलिस को दुकानों की चाबियां देकर अपना विरोध जाहिर किया। दुकानदारों का कहना है कि पुलिसकर्मी दुकानों के सामने खड़े होकर चालान काटते हैं। वही सिविल लाइन थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों को दुकानदारों से दूर रहकर चालान काटने की बात कही। बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार ने कई गांव में करोड़ रुपए की लागत से विकास के कामों को शुरू करवा दिया है, जिसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए की ग्रांट पहले ही जारी कर चुके हैं। बड़ौदा में सड़कों से लेकर पीने की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, स्टेडियम का सुधार किया जाना है, जिन पर करीब 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू की है। भिवानी में इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर होगी। कार्यक्रम में वन मंत्री करवरपाल गुर्जर शिरकत करेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि संरक्षण के लिए हम गांव में 5 पौधों की जिम्मेदारी हर परिवार को सौंपेंगे। चंडीगढ़ में जीएसटी विभाग ने फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया। विभाग के अनुसार फर्जी कागजों के जरिए 69 फर्म बनाई गई, जिसके जरिए करीब 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। विभाग से हुए खुलासे के मुताबिक सबसे अधिक फर्जी फर्म गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत में बनाई गई। इन फर्मों के जरिए 78 अरब 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया गया। सरकार से इनपुट क्रेडिट के रूप में ये पैसे लिए गए। पबजी पर सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसे लेकर अंबाला में अभिभावक खुश नजर आए। कहा कि सरकार ने पबजी बैन करके बहुत सही फैसला लिया। गुरुग्राम पुलिस ने फरुख नगर इलाके में हरिनगर डूमा में मंदिर में लूटपाट करने और मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को काबू किया। आरोपियों ने पहले मंदिर की रेखी की, फिर योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मंदिर में रखे 28,000 रुपए, कुछ मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, गाड़ी लूट ली। इस दौरान आरोपियों ने मंदिर में जमकर उत्पात मचाया, पुजारी और बाकी लोगों को पीटा। नूह में 2 सीएनजी गैस सिलेंडर्स में गांजा की बड़ी खेप मिली। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर हांसी पुलिस ने बीएसपी नेता के आवास पर छापा मारकर कई युवकों को हिरासत में लिया। युवकों के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल की बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि सभी युवक यूट्यूबर और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो चलाते हैं। साइबर सेल और पुलिस की कई घंटों की और जांच में ऑनलाइन फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला। गुरुग्राम पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में करीब 10 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। पलवल के गांव वालीमेव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गोली चलाने और चोट से महिला का गर्भपात होने की शिकायत। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि पिछले दिनों पुराना पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी थी, जिसको लेकर आरोपी समझा रहे थे कि उनकी गाड़ी हमने पकड़वाई है। इसी को लेकर आरोपियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। इंद्री में 2 पक्षों में चाकू डंडे चले, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इंद्री के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पक्ष ही गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं। गांव में बनी चौपाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। इसी के पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है, झड़प हो चुकी है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कर घर का दरवाजा बंद कर आरोपी फरार हो गया। हत्या के बाद खुद ही रिश्तेदारों ने को पत्नी के कत्ल की सूचना दी। कत्ल के बाद घर के आसपास ही आरोपी घूमता रहा। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले ही पत्नी के साथ मकान में रहने के लिए आया था। नूह में ओलेक्स पर सस्ते विज्ञापन देकर ग्राहकों को जाल में फंसाकर लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 3 आरोपी फरार होने में सफल रहे। नूह में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। कई गांव में अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई। डीएसपी का कहना है कि सर्च अभियान के दौरान 26 बाइक और 4 पिकअप कब्जे में ली गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आधा दर्जन नामजद लोगों सहित करीब 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पंचकुला के सेक्टर 26 में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फतेहाबाद के कमल के तौर पर की गई। भिवानी सेक्टर 13 में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी मिल रही है कि मृतका के पति, सास और ननदों ने मिलकर धोखाधड़ी से उसका घर बेच दिया, जिससे महिला परेशान थी। सोनीपत के हुडा पार्क में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि मृतक नशे का आदि था। लहारू में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर ढाणी टोड़ा गांव के पास से टक्कर हुई। कार में सवार 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए भिवानी रेफर किया गया। प्राड़ा के मेन बाजार में मामूली कहास होने के चलते 2 दुकानदारों के झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 दुकानदारों में सामान को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट में बुजुर्ग की छाती में मुक्का लगने से उसकी मौत हो गई। बल्लभगढ़ में एक चौंका देने वाला वीडियो आया सामने। रोडवेज कर्मचारी एक प्राइवेट बस कंडक्टर के साथ मारपीट कर रहा है। पीड़ित कंडक्टर ने कहा कि उसने बस अड्डे में अपने वक्त पर बस लगाई थी, लेकिन तभी रोडवेज बस ड्राइवर ने उसके सामने बस लगा दी, जिससे निजी बस में बैठी सवारियां रोडवेज बस में चली गई। मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। कैथल में पुलिस की CIA ब्रांच ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में असला भी बरामद किया। कुरुक्षेत्र में ननवाना ब्रांच नहर में युवती का शव मिला। युवती की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। गुरुग्राम में फिर गोलीकांड। शराब ठेके पर काम करने वाले 2 युवकों के बीच रूट पर मारी गई गोली। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। आसाराम केस में मुख्य गवाह की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने DSP और SI के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। गुरुग्राम में सुशांत लोक के बी ब्लॉक में झुग्गी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि झुग्गी में सो रहे 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया।